हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके सभी आने वाली फार्मासिस्ट ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दी एंटी डिप्रेसेंट्स बेनिफिशियल फॉर माइग्रेन इज प्रोप्रानोलॉल, फ्लुओक्सेटिन, एमिट्रिप्टिलिन, मोक्लोबेमाइड। इनमें से कौन सा एंटी डिप्रेसेंट माइग्रेन में बेनिफिशियल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमिट्रिप्टिलिन। द एंटी डिप्रेसेंट बेनिफिशियल फॉर माइग्रेन इज एमिट्रिप्टिलिन। एमिट्रिप्टिलिन आता है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में। एमिट्रिप्टिलिन, नॉलट्रिप्टिलिन, इमिप्रामाइन, ट्राइमिप्रामाइन, ये सभी होते हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। एंड एमिट्रिप्टिलिन का डोज होता है माइग्रेन के लिए 25 to 50 mg एट बेड टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज फॉर प्रोपेलेक्सिस ऑफ माइग्रेन बट नॉट फॉर एंजाइना पेक्टोरिस इज वेरापेमिल, डिल्टियाजेम, फ्लुनारिजिन, एम्लोडिपिन। इनमें से कौन सा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जिसे प्रोपेलेक्सिस ऑफ माइग्रेन में यूज करते हैं बट नॉट फॉर एंजाइना पेक्टोरिस? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लुनारिजिन। फ्लुनारिजिन होता है वीक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड यूज फॉर प्रोपेलेक्सिस ऑफ माइग्रेन बट नॉट फॉर एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेस? इनमें से कौन सा एन इरिवर्सिबल इनिबिटर है साइक्लोऑक्सीजिनेस का? एस्पिरिन, फिनाइलब्यूटाजोन, इंडोमिथासिन, पाइरोक्सिकैम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेस? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्पिरिन। एस्पिरिन होता है एन इरिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेस। एस्पिरिन होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। एनसेड्स के सैलिसिलेट्स क्लास में आता है एस्पिरिन। देन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज एस्पिरिन। देन रेट सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एस्पिरिन। ये सभी एनसेड्स में आते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है एस्पिरिन, फिनाइलब्यूटाजोन, इंडोमिथासिन एंड पाइरोक्सिकैम। पाइरोक्सिकैम आता है ऑक्सिकैम डेरिवेटिव में, इंडोमिथासिन आता है इंडोल डेरिवेटिव में, फिनाइलब्यूटाजोन आता है पाइराजोलॉन डेरिवेटिव में। ठीक है, और ये सभी नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर्स है। नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर्स में आते हैं एस्पिरिन, फिनाइलब्यूटाजोन, इंडोमिथासिन, पाइरोक्सिकैम। एंड सिलेक्टिव कॉक्स टू इनिबिटर्स में आते हैं इटोरिकॉक्सिब, सेलिकॉक्सिब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द एक्शन फॉर विच द डोज ऑफ एस्पिरिन रिक्वायर्ड इज द लोवेस्ट। चूज द एक्शन फॉर विच द डोज ऑफ एस्पिरिन रिक्वायर्ड इज लोवेस्ट। एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीप्लेटलेट, एग्रीगेटरी। इनमें से कौन सी एक्शन के लिए डोज ऑफ एस्पिरिन रिक्वायर्ड इज द लोवेस्ट? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, एंटीप्लेटलेट एग्रीगेटरी। स्मॉल डोसेज ऑफ एस्पिरिन एग्जर्ट एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट। एस्पिरिन स्मॉल डोज में एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, टिक्लोपिडिन, देन डाइपेरिडामोल, इप्टेफिबिटाइड, ये सभी होते हैं एंटीप्लेटलेट ड्रग। ये ब्लड क्लॉट फॉर्म नहीं होने देते। एस्पिरिन होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एंड एस्पिरिन कॉज कराता है रेस सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग यूज्ड इन द पेशेंट ऑफ पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडस इज कॉर्टिकोट्रोपिन, डेस्मोप्रेसिन, SCG, मेनोट्रोपिन्स। ड्रग यूज्ड इन द पेशेंट ऑफ पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडस। तो कौन सा ड्रग यूज किया जाता है पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडस के पेशेंट के लिए? तो इनमें यूज करते हैं डेस्मोप्रेसिन का, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। डेस्मोप्रेसिन होता है सिलेक्टिव V2 एगोनिस्ट। डेस्मोप्रेसिन होता है सिलेक्टिव V2 एगोनिस्ट और ये 12 टाइम्स मोर पोटेंट एंटी डायबिटिक होता है वैसोप्रेसिन से। एंड डायबिटीज इंसिपिडस में इसका डोज होता है 2 μg इंट्रामस्कुलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रे बेबी सिंड्रोम इज रिपोर्टेड विथ टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकॉल, डॉक्सीसाइक्लिन, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन। ग्रे बेबी सिंड्रोम एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्लोराम्फेनिकॉल, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ग्रे बेबी सिंड्रोम इज रिपोर्टेड विथ क्लोराम्फेनिकॉल। देन टेट्रासाइक्लिन से क्या होता है? तो टेट्रासाइक्लिन से होता है डिस्कलरेशन ऑफ टीथ। देन और एक एग्जाम में पूछा जाता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इज रिपोर्टेड विथ, तो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इज रिपोर्टेड विथ सल्फोनामाइड्स।
रेडमैन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय वैनकोमाइसिन, वैनकोमाइसिन कॉजेस रेडमैन सिंड्रोम। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, सिमेटिडिन, मिथिसर्जाइड, ब्रोमोक्रिप्टिन, ओंडेंसेट्रॉन। तो कौन सा ड्रग यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया? तो हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया की ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं ब्रोमोक्रिप्टिन का, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ब्रोमोक्रिप्टिन। ब्रोमोक्रिप्टिन होता है डोपामाइन D2 एगोनिस्ट, डोपामाइन D2 एगोनिस्ट होता है ब्रोमोक्रिप्टिन, एंड पार्किंसंस में भी इसे यूज करते हैं, एंटी पार्किंसन ड्रग में भी आता है ब्रोमोक्रिप्टिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टैमोक्सिफेन इज एन एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लंग कैंसर, ल्यूकेमिया, ब्रेस्ट कैंसर, ऑल। टैमोक्सिफेन इज एन एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ब्रेस्ट कैंसर। टैमोक्सिफेन इज एन एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। टैमोक्सिफेन होता है एंटी न्योप्लास्टिक ड्रग, एंटी कैंसर ड्रग में आता है टैमोक्सिफेन, एंटी कैंसर ड्रग के सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर क्लास में आता है ये टैमोक्सिफेन एंड टोरिमिफेन, एंटी कैंसर ड्रग के सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर क्लास में आते हैं टैमोक्सिफेन एंड टोरिमिफेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स आर एसोसिएटेड विथ ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड, ऑल ऑफ द अबव। अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स आर एसोसिएटेड विथ, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स आर एसोसिएटेड विथ ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में आते हैं अमिकासिन, जेंटामाइसिन, देन नियोमाइसिन, नेटलीमाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स का? तो ये 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कराते हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस एट 30S राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रोमोक्रिप्टिन कॉजेस द फॉलोइंग, प्रोलैक्टिन रिलीज, वोमिटिंग, यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन, इम्पोटेंस। ब्रोमोक्रिप्टिन कॉजेस द फॉलोइंग, तो ब्रोमोक्रिप्टिन क्या कॉज कराता है? ब्रोमोक्रिप्टिन कॉजेस द फॉलोइंग, तो ब्रोमोक्रिप्टिन कॉज कराता है वोमिटिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ब्रोमोक्रिप्टिन कॉजेस वोमिटिंग। ब्रोमोक्रिप्टिन क्या होता है? तो ये होता है डोपामाइन D2 एगोनिस्ट, ब्रोमोक्रिप्टिन होता है डोपामाइन D2 एगोनिस्ट, एंड बाय एक्टिंग ऑन D2 रिसेप्टर्स ऑन द केमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन ब्रोमोक्रिप्टिन कैन कॉज वोमिटिंग। CTZ के केमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन के D2 रिसेप्टर पे एक्ट करके ये वोमिटिंग कॉज कराता है, इसके लिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, केमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन के D2 रिसेप्टर पे एक्ट करके ये वोमिटिंग कॉज कराता है। ठीक है, ये डोपामाइन D2 एगोनिस्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉचेट टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट डैश इन यूरिन, ग्लूकोज, बिलीरुबिन, ब्लड और एल्बमिन। फॉचेट टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट डैश इन यूरिन, तो किसके डिटेक्शन में यूज करते हैं फॉचेट टेस्ट का? तो इसे यूज किया जाता है बिलीरुबिन के डिटेक्शन के लिए, टू डिटेक्ट बिलीरुबिन इन यूरिन, यूरिन में बिलीरुबिन के डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं फॉचेट टेस्ट का। ठीक है, बिलीरुबिन है बाइल पिगमेंट, एंड बाइल पिगमेंट्स के डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं फॉचेट टेस्ट एंड जिमेलिन टेस्ट। बाइल सॉल्ट्स के लिए कौन सी टेस्ट का यूज करते हैं? तो हेस टेस्ट एंड पीटर कॉफर टेस्ट का यूज करते हैं बाइल सॉल्ट्स के डिटेक्शन के लिए। ठीक है, देन ब्लड इन यूरिन टेस्ट करते हैं बेंजाटिडिन टेस्ट से, देन क्रिएटिनिन के डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं जाफेस टेस्ट का, एंड केटोन बॉडीज के लिए यूज करते हैं रोथेरास टेस्ट। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज एट लखनऊ, इजतनगर, कसौली, कैलकटा। द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज एट, तो कहाँ पे है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी? तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है कैलकटा में, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज एट कैलकटा। ठीक है, लखनऊ में क्या है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इज्जतनगर में क्या है? इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कसौली में है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, एंड सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज एट कैलकटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। गायनेकोमेस्टिया कैन बी ट्रीटेड विथ गायनेकोमेस्टिया में कौन से ड्रग का यूज करते हैं?
क्लोरप्रोमाजिन, सिमेटिडिन, ब्रोमोक्रिप्टिन, मेटोक्लोप्रामाइड। गायनेकोमेस्टिया कैन बी ट्रीटेड विथ, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ब्रोमोक्रिप्टिन। गायनेकोमेस्टिया कैन बी ट्रीटेड विथ ब्रोमोक्रिप्टिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोनेडोट्रोपिन्स आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। गोनेडोट्रोपिन्स आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट हाइपोगोनेडोट्रॉपिक हाइपोगोनेडिज्म इन मेल्स, क्रिप्टोसिज्म इन ए बॉय लेस देन 7 ईयर्स ओल्ड, एमेनोरिया एंड इनफर्टिलिटी इन वुमेन, ऑस्टोपोरोसिस। गोनेडोट्रोपिन्स आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पूछा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो गोनेडोट्रोपिन्स क्या करते हैं? गोनेडोट्रोपिन्स FSH एंड LH मीन्स फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज कराते हैं, इसलिए इन्हें हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म, क्रिप्टोसिज्म एंड एमनोरिया एंड इनफर्टिलिटी इन तीनों में यूज करते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑस्टोपोरोसिस में इसे यूज नहीं करते, एक्सेप्ट पूछा है ना। गोनेडोट्रोपिन्स को हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म इन मेल्स, क्रिप्टोसिज्म इन ए बॉय लेस देन 7 ईयर्स ओल्ड एंड एमनोरिया एंड इनफर्टिलिटी इन वुमेन में यूज करते हैं, ऑस्टोपोरोसिस में इसका यूज नहीं करते। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग डज नॉट कॉज हाइपोथायरॉयडिज्म? PAS, कैप्टोप्रिल, लिथियम, एमियोडायरॉन। विच ड्रग डज नॉट कॉज हाइपोथायरॉयडिज्म? ये PAS होता है, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। विच ड्रग डज नॉट कॉज इज हाइपोथायरॉयडिज्म? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल डज नॉट कॉज हाइपोथायरॉयडिज्म। बाकी पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, लिथियम, एमियोडायरॉन, ये तीनों हाइपोथायरॉयडिज्म को कॉज कराते हैं। ये लिथियम कॉज कराता है हाइपोथायरॉयडिज्म बाय इनिबिटिंग थायरॉयड हार्मोन रिलीज। थायरॉयड हार्मोन के रिलीज को इनिबिट कराता है लिथियम एंड इट कॉजेस हाइपोथायरॉयडिज्म। देन एमियोडायरॉन भी कॉज कराता है हाइपोथायरॉयडिज्म, T4 से T3 कन्वर्शन को इनिबिट कराता है ये एमियोडायरॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन जिंक सस्पेंशन इज। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन जिंक सस्पेंशन 2 to 4 hours, 8 to 10 hours, 20 to 24 hours, 30 to 36 hours। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, तो क्या होता है इंसुलिन जिंक सस्पेंशन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 to 24 hours। ये होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन जिंक सस्पेंशन। ठीक है, इंसुलिन जिंक सस्पेंशन होता है इंसुलिन लैंटे, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन होता है एंड इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 20 to 24 hours। 2 to 4 hours ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किसका होता है? तो ये होता है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का। इसमें आते हैं लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसाइन, ये तीनों होते हैं रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एंड इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 2 to 4 hours। ठीक है, 8 to 10 hours, तो ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है शॉर्ट एक्टिंग का। शॉर्ट एक्टिंग में आते हैं रेगुलर इंसुलिन। देन 24 आवर्स का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का और इसमें आते हैं ग्लार्जिन एंड डेटिमिर। ठीक है, ग्लार्जिन एंड डेटिमिर आते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में एंड इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 24 आवर्स। ठीक है, और एक आता है अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग, इसमें आता है डिग्लूडेक एंड इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 40 आवर्स। डिग्लूडेक आता है अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग में और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 40 आवर्स। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फोनिल यूरियाज डू नॉट लोअर ब्लड शुगर लेवल इन। सल्फोनिल यूरियाज डू नॉट लोअर ब्लड शुगर लेवल इन नॉन डायबिटिक्स, टाइप 1 डायबिटिक्स, टाइप 2 डायबिटिक्स, ओबेज डायबिटिक्स। इनमें से कौन से डायबिटिक में सल्फोनिल यूरियाज डू नॉट लोअर ब्लड शुगर लेवल? तो एक बात हमेशा याद रखो, सल्फोनिल यूरियाज तभी एक्ट करते हैं जब एटलीस्ट 30% फंक्शनल बीटा सेल्स पैनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज में सल्फोनिल यूरियाज डू नॉट लोअर ब्लड शुगर लेवल बिकॉज सल्फोनिल यूरियाज तभी एक्ट करते हैं जब एटलीस्ट 30% फंक्शनल बीटा सेल्स पैनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं। सो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, टाइप 1 डायबिटिक्स। टाइप 1 डायबिटिक में देते हैं इंसुलिन एंड टाइप 2 डायबिटिक्स में देते हैं सल्फोनिल यूरियाज। अभी आप मुझे बताएंगे सल्फोनिल यूरियाज के एग्जाम्पल, तो कौन से है सल्फोनिल यूरियाज?
तो फर्स्ट जनरेशन में आते हैं टोलबुटामाइड क्लोरप्रोपामाइड एंड सेकंड जनरेशन में आते हैं ग्लाइपिजाइड ग्लाइक्लाजाइड ग्लाइमिप्राइड ग्लाइबेनक्लामाइड। ठीक है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया कौन सा है? तो क्लोरप्रोपामाइड इज लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया। एग्जाम में क्लोरप्रोपामाइड के साइड इफेक्ट्स पे भी क्वेश्चन बनता है, तो कौन से होते हैं क्लोरप्रोपामाइड के साइड इफेक्ट्स? तो एक होता है कोलेस्टेटिक जॉन्डिस, देन आता है डाइल्यूशन हाइपोनाइट्रेमिया, देन आता है डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन विथ अल्कोहल। ये तीन होते हैं क्लोरप्रोपामाइड के साइड इफेक्ट्स। ठीक है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया होता है क्लोरप्रोपामाइड एंड क्लोरप्रोपामाइड पे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन रेजिस्टेंस कैन बी मिनिमाइज बाय द यूज ऑफ, इंसुलिन रेजिस्टेंस कैन बी मिनिमाइज बाय द यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स टोलबुटामाइड प्रोटामाइन मोनोकॉम्पोनेंट ह्यूमन इंसुलिन। इंसुलिन रेजिस्टेंस कैन बी मिनिमाइज बाय द यूज ऑफ, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को मिनिमाइज किया जाता है बाय द यूज ऑफ मोनोकॉम्पोनेंट ह्यूमन इंसुलिन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इंसुलिन रेजिस्टेंस कैन बी मिनिमाइज बाय द यूज ऑफ मोनोकॉम्पोनेंट ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंटी एंड्रोजेनिक ड्रग इज, एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंटी एंड्रोजेनिक ड्रग बाइकैलुटामाइड ऑक्सीमिथोलोन रेलोक्सीफेन स्टेनोजोलॉल। एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंटी एंड्रोजेनिक ड्रग, तो इनमें से कौन सा है एंटी एंड्रोजेनिक ड्रग? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए बाइकैलुटामाइड इज एन एंटी एंड्रोजेनिक ड्रग। ठीक है, एंड्रोजन रिसेप्टर इनिबिटर होता है बाइकैलुटामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द एनेस्थेटिक दैट इंक्रीजेस कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर। सिलेक्ट द एनेस्थेटिक दैट इंक्रीजेस कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर, हेलोथेन फेंटेनिल केटामाइन और डाइजेपैम। तो कौन सा एनेस्थेटिक है जो कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराता है? हेलोथेन फेंटेनिल केटामाइन और डाइजेपैम। तो ये होता है केटामाइन। केटामाइन इंक्रीजेस कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, केटामाइन इंक्रीजेस कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, अभी आप मुझे बताएंगे केटामाइन कौन सा एनेस्थीसिया प्रोड्यूस कराता है? तो केटामाइन डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस कराता है। देन केटामाइन ऑल्सो कॉजेस हेलुसिनेशंस, हेलुसिनेशंस को भी केटामाइन कॉज कराता है। एंड केटामाइन का यूज करते हैं बर्न ड्रेसिंग में, बर्न ड्रेसिंग में एज एन एनेस्थेटिक केटामाइन का यूज करते हैं। एंड अस्थमा पेशेंट के शॉर्ट ऑपरेशंस में भी केटामाइन का यूज करते हैं। ठीक है, केटामाइन डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया कॉज कराता है एंड हेलुसिनेशंस कॉज कराता है। ठीक है, एंड केटामाइन इंक्रीजेस कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।